वेलकम बैक। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करेंगे। ऑटो सेक्टर की बात करेंगे और ऑटो सेक्टर इतना इंटरेस्टिंग होता है कि मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ उसको करने से पहले, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल हम बड़ा लिमिटेड हुए हैं ऑटो सेक्टर में। अगर ऑटो सेक्टर की बात करें आपके सामने, हमारे अब तक वही इशूज़ हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी, सेल टैक्स और ऑलरेडी जो रेगुलेशन के इशूज़ होते हैं, फिर डिफरेंट, क्योंकि एक्चुअली जो साइज़ ऑटो सेक्टर का है वो बहुत ज़्यादा है, बिलियंस की मार्केट है हमारी, लेकिन वो बिलियंस की मार्केट बनाने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए बेहतर कानून साजी, बेहतर रेगुलेशंस और साथ साथ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आता है हमें, लेकिन वो भी हमें इतना मौसर नज़र नहीं आया जो कि गैर मौसर नज़र आया। दूसरी बात आपके सामने ये करनी है कि अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि नेशनल असेंबली में डिस्कस किया गया जी कुछ इश्यूज़ को, और उस इश्यूज़ में जो स्टैंडिंग कमेटी है क्लाइमेट चेंज होने के हवाले से, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अबॉलिश करेंगे टैक्सेशन जो कि हाइब्रिड कार पे है, दैट राइजिंग एयर पॉल्यूशन कुड बी चेक्ड। एक बात मेरे समझ में नहीं आती, हाइब्रिड पे तो ऑलरेडी जो आपके अगर लोकल हैं वो तो बना नहीं रहे, टोयोटा की एक प्रपोजल जारी हुआ है लेकिन टोयोटा इस साल से प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, नेक्स्ट के ईयर के एंड से स्टार्ट करेगा हाइब्रिड। अब आ जाते हैं हम इम्पोर्टेड व्हीकल पे, इम्पोर्टेड व्हीकल पे जो हमें गाड़ियाँ मिल रही हैं, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो वो हाइब्रिड पर हैं, उस पर कैसे होगा, लेकिन इसमें बड़ा मुझे भाव नज़र आता है, कन्फ्यूजन है, स्टैंडिंग कमेटी में जो मामला उठाया गया है इसी पर बात करेंगे, और उसके अलावा दूसरे टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है यावर सईद ने, जिनका ताल्लुक फर्स्ट कैपिटल से है। यावर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यावर अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक ठाक हैं यावर, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। यावर थोड़ा सा डेवलपमेंट बता दीजिए, अभी ऑटो सेक्टर में हुई क्या है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? नेशनल असेंबली में भी कुछ मामला उठाए गए हैं और कहा जा रहा है कि कुछ टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया जाएगा, कितनी सदाकत है, क्या बात है, अपडेट कीजिएगा। जी ये बिल्कुल अभी इस तरह रिसेंटली रिसेंट पास में अक्टूबर नवंबर में ये हुआ था कि RD लगाने की बात हो गई थी इम्पोर्टेड कार्स पे मुख्तलिफ, मगर जो प्राइमरी उनमें सबसे ज्यादा लग रहे थे ना वो 1800 CC पे लग रहे थे। अब फिर नेशनल असेंबली में ये बात उठी है कि वो खत्म करने की बात है, तो इस पे आर्गुमेंट चल रहे हैं, कोई कंक्लूसिव हुआ नहीं है। एक्चुअली जो RD लगाई गई थी वो ज्यादातर लगाई गई थी अपर कैटेगरी के कार पे, जो 1800 CC से ऊपर है वो रिलेटिवली इतने आते नहीं, जो मेनली आते हैं वो लोअर CC के कार्स आते हैं, तो उससे इम्पोर्ट्स को कम करने के लिए, इम्पोर्ट्स पे जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करने के लिए इकदाम किया गया था, मगर वो इतना कुछ उससे फायदा होते दिख नहीं रहा, तो उसको रिवर्स करने की बात कर रही थी। ये मेरे हिसाब से जिस तरह मुख्तलिफ लॉबीज हैं इम्पोर्टेड कार्स जो मंगवाते हैं उनका है, और बस यही चल रहा है इस तरह है तो, और ऑटो पॉलिसी के चेंजेस की भी हम बस हवाई खबरें आ रही है, मगर कोई इस तरह हुआ नहीं, ऑटो पॉलिसी चेंज नहीं हुआ। हाँ ये RD के बारे में नेशनल असेंबली में इसको उठाया गया है। बिल्कुल दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है यावर, वो ये कि अभी आप मुझे बता दें जो दूसरा SRO आया था उस पर क्या अभी डिस्कशन हुआ है, उसको खत्म कर दिया जाएगा या उसको परसू किया जाएगा आगे जाके? देखिए ये जो SRO आया था ना, ये आया था टारगेट किया गया था इम्पोर्ट्स को, इम्पोर्ट्स में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ना वो डिटोरिएट हो रहा है, उसको टारगेट करने के लिए SRO मंगवाया गया था जी। मगर उसके खिलाफ आप देखें इसके भी स्टेक होल्डर्स है मुख्तलिफ, अब मुख्तलिफ इम्पोर्टर्स है जो गाड़ी इम्पोर्ट करते हैं या दूसरी चीजें टायर्स वगैरह इम्पोर्ट करती हैं या कुछ भी चीज इम्पोर्ट करती है, वो इसके खिलाफ खड़े हो गए और जो मुख्तलिफ और उन्होंने कोर्ट में इसे चैलेंज करने को बोला है SRO को, तो अब उन्होंने तो चैलेंज किया है मुख्तलिफ जगहों पर, कामयाबी हुआ लिमिटेड तरीके से पंजाब में हुए हैं, लाहौर हाईकोर्ट में उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की, मेरे तो वो चल रहा है स्टे उन्होंने लिया है, मगर वो अब देखना होगा कि वो सारी चीजों पे पूरा SRO पे स्टे है, क्योंकि वो जो लोग गए थे वो लिमिटेड लोग गए थे लिमिटेड इंडस्ट्री से, तो क्या सिर्फ वो उन्होंने अपनी जिन चीजों को वो इम्पोर्ट करते हैं उन पे स्टे लिया है कि नहीं, ये आगे क्लैरिटी आनी है। अभी क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, बहुत दुरुस्त बात करें, और यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में ना एक हलचल भी मच गई थी, एक अनसर्टेन सिचुएशन भी थी जब RD लगाई गई, लोगों को क्लियर नहीं था कि RD किस पार्ट्स पर लगी है, किन गाड़ियों पर लगी है, किन चीज़ों पर लगी है, तो अभी आप क्या समझते हैं कि मज़ीद क्लियरिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ बेहतर इकदाम, कोई प्रपोजल, कोई समरी, कोई पब्लिक ब्रीफिंग? जी असल में ये होता है ना, ये जो SRO के थ्रू कोई भी RD या कोई भी कुछ रेगुलेशन इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं उसमें काफी, क्योंकि वो डायरेक्ट लिंक करके दे देते हैं
या मतलब क्लैरिटी उसमें हमेशा वेगनेस होती है क्योंकि वो हम ज्यादा चीजें एक साथ कर देते हैं कोई. तो जब इन्होंने इस वक्त लगाया था तो ये अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज्यादा चीजों पे लगाया था, बास चीजों से इंक्रीज किया था, बास पे नए लगाए थे फिर. तो ये जो गाड़ियों पे लगाई थी या मुख्तलि चीजों पे और भी थी तो लगाई थी, गाड़ियों खैर इतना इफेक्टिव नहीं था क्योंकि वो ज्यादा ऊंचे हाई लेवल की कार्स पे था, वो इतना इम्पोर्ट होती नहीं. मगर फिर भी क्लैरिटी उस पर भी लोगों को नहीं थी, मगर वो इतना मुश्किल भी नहीं था उसका क्लैरिटी लेना, वापस आ गई थी. मगर फिर भी जो डोमेस्टिक इम्पोर्टर्स है उन्होंने फिर भी उसे चैलेंज कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट में और उन्होंने स्टे उस पर ले लिया था. तो उस पर क्लैरिटी नहीं है कि वो जो चैलेंज किया था वो कितनी चीज़ों पे चैलेंज किया था और कितनी चीज़ों पे उनको स्टे मिल गया था. ठीक है. अच्छा यावर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मुझे बता दीजिए कि अभी न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, साइज बढ़ेगा, कैपिटल बहुत आएगा, क्या लग रहा है आपको कि अभी जो मार्केट ट्रेंड है हमारा उसको देखते हुए कब तक पॉसिबल है कि चाइनीज इन्वेस्टर अपने व्हीकल्स लेकर आए? हमने गुज़िश्ता महीने प्रपोजल्स भी देखे चाइनीज़ के, न्यू इन्वेस्टर आ रहे हैं, मियाँ मंशा आ रहे हैं, वो जाकर इन्वेस्ट करेंगे और लिमिटेड वॉल्यूम के साथ आएंगे. तो डिमांड तो हमारे सेक्टर में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक वाफर मकदार आने वाले दिनों में हमें नज़र आ रही है. उसके बाद क्या पॉलिसी कितनी सपोर्टिव रहेगी? अगर मैं RD की बात करूँ, मैं और पॉलिसी की बात करूँ, तो एक बेहतर पॉलिसी दोबारा हम कोई अपनाएंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए? हो रहा है ये जो ऑटो पॉलिसी की वजह से ये हो रहा है, जो 5 साल तक 2022 में वो एक्सपायर हो जाएगा. और हेलो, अब इसी तरह एग्जैक्टली जो इस तरह बोल रहे हैं अभी कुछ थोड़ा तेजी आ गई है. यावर आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही है. अब मैं बोल रहा हूँ रिसेंटली जो चेंजेस आए थे और जो मुख्तलिफ प्लेयर आ रहे थे वो ऑटो पॉलिसी की वजह से आ रहे थे, और अभी जाके काफी हलचल आ गई है क्योंकि मुख्तलिफ प्लेयर्स ने अपने इंटेंशंस वगैरह, रेनॉल्ट ने बोल दिया है कि वो आ रहे हैं, उन्होंने अपने लिए लोकल पार्टनर्स भी ढूंढना शुरू कर दिए हैं. तो मुख्तलिफ प्लेयर्स आ रहे हैं और जापानीज प्लेयर्स भी, मुख्तलिफ जापानीज प्लेयर भी इंटेंशन शो कर रहे हैं, वो भी JV या जॉइंट वेंचर्स मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ बनाने के ख्वाहिश दिखा रहे हैं. अच्छा यार एक और चीज है, होंडा की बात कर लेते हैं. होंडा जो है वो स्टार्ट कर रहा है, होंडा एटलस इज गोइंग टू रीलॉन्च द सिविक टर्बो इन कपल ऑफ मंथ्स. इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? रीडिजाइन किया जा रहा है होंडा सिविक को, उसका इंटीरियर जो है वो शेप अप किया जाएगा, उसके स्पेसिफिकेशंस बहुत बेहतर किए जाएंगे, इंजन और परफॉर्मेंस को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं. तो किस तरह से देख रहे हैं, मॉडल इनका चलेगा या फ्लॉप मॉडल होगा, या किस तरीके से होंडा अपने आप को डाइवर्सिफाई करेगा? जी बिल्कुल, ये असल में होंडा जो सिविक ने लॉन्च किया था ये 2016 में लॉन्च किया था और ये काफी अच्छे चले थे. असल में ये जब सिविक लॉन्च किया 2016 वाला, इसमें 3 वेरिएंट्स थे, एक तो VTI और VTI और टर्बो के था, टर्बो 1.5 में. टर्बो इनका वेरिएंट तो अच्छा है मगर ये जो हमारी ऑयल स्पेसिफिकेशन है ना, वो इंजन उसके ऑयल स्पेसिफिकेशन का मीट नहीं करेगा. आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि मुख्तलिफ OMCs के साथ उनकी काफी नोक झोंक रही क्योंकि उन्होंने OMCs पे डाल दिया कि वो मैगनीज ऑयल में ज्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से उसकी मतलब जो रेटिंग है वो ऊपर चली जाती है, मगर मैगनीज ज्यादा होने से इनके इंजन फ्लिप कर जाते हैं जो इंजन के लिए कंपेटेबल नहीं है. मगर आप देखना पड़ेगा अगर होंडा रीलॉन्च करती है, क्योंकि रीलॉन्च टर्बो करना इस ऑयल के साथ तो मुश्किल है, मतलब क्योंकि ये ऑयल इलीगल इस तरह है भी नहीं क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन को मीट करती है मगर उस इंजन के स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करती. तो अगर वो रीलॉन्च करते हैं तो ये देखना पड़ेगा क्योंकि लग नहीं रहा फिलहाल लॉन्च करना, क्योंकि अभी इतना जल्दी डिस्पैंड कर दिया, उतना जल्दी उसको रीफर्बिश करके दोबारा से लेके आना इतना आसान नहीं होगा. इसमें अगर करते हुए तो काफी टाइम लगेगा आगे जाके, और अगर ऑयल क्वालिटी को जो पाकिस्तान में अवेलेबल है उसे देख के करना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है. मगर डिस्पाइट द फैक्ट अगर वो नहीं भी करते हैं, होंडा अभी जो बेच रहा है VTI ऑयल उसकी बहुत अच्छी डिमांड है और वो अपने ऑलमोस्ट क्या फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं फिलहाल. तो अगर वो नहीं भी करते तो इनके लिए मसला नहीं है क्योंकि इनके ने दूसरा जो BRV ने लॉन्च किया उसकी बहुत अच्छी डिमांड है और ऑल सिविक की भी डिमांड बहुत अच्छी है, और आगे जाके हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 19 में या 18 के एंड तक जो ये सिटी भी लॉन्च कर देंगे तो उधर से भी डिमांड आनी है और कैपेसिटी के पास है नहीं. तो टर्बो अगर ना लॉन्च भी करे तो आई विल नॉट बी सरप्राइज. ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच यावर सईद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. फर्स्ट कैपिटल से आपका ताल्लुक है, अपडेट कर रहे थे आप डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी कुछ हो रहा है ऑटो सेक्टर से एसोसिएट, और आपने कहा कि अगर होंडा ये मूव लेता है तो देखना ये होगा कि मार्केट डायनेमिक्स, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं, एज फार एज कंसर्न कस्टमर्स वो क्या चाहते हैं और उनको कितनी बेहतर और बेहतर गाड़ी मिल सकती है. एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे पेट्रोलियम सेक्टर पर. स्टे विद अस.